छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में एंटी रैगिंग सप्ताह का एक समारोह के साथ समापन हो गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर नीरज कुमार सिंह, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर प्रवीण कटियार, चीफ वार्डन अनुराधा कालानी एवं अन्य शिक्षक गण द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि सीनियर एवं जूनियर विद्यार्थियों में भाईचारा होना चाहिए। रैगिंग जैसी घटनाओं से विद्यार्थियों को दूर रहना चाहिए। विद्यार्थियों को हॉबी क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी एवं सेवा कार्यों में प्रतिभाग कर अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहिए। विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग सप्ताह दिनांक 12 से 18 अगस्त 2023 तक मनाया गया। 12 अगस्त को विश्वविद्यालय के सभागार में एंटी रैगिंग पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ था। 13 अगस्त स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिता, 14 अगस्त पोस्टर एवं लोगो बनाने की प्रतियोगिता, 16 अगस्त वर्कशॉप एवं सेमिनार, शॉर्ट फिल्म एवं डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन के विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों संस्थानों में आयोजित किए गए। समापन समारोह में निबंध, स्लोगन, पोस्टर एवं लोगो प्रतियोगिता के विजेताओं को कुलपति ने पुरस्कृत किया। इसके साथ ही कुलपति ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्य क्षेत्र के 7 जनपदों के 77 गांवों एवं 19 बस्तियों में 21 जून 2023 को योगाभ्यास कराने वाले योग प्रशिक्षकों तथा गांवों एवं बस्तियों में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कराने वाले वॉलंटियर्स को भी सम्मानित किया गया। समापन समारोह में धन्यवाद ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने और संचालन चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर प्रवीण कटियार ने किया। इस अवसर पर हॉबी क्लब की प्रभारी डॉक्टर ममता तिवारी एवं विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मानस उपाध्याय, डॉक्टर पुष्पा ममोरिया तथा विभिन्न संस्थानों विभागों के शिक्षक गण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, CSJME न्यूज कानपुर।